Hey guys, welcome to my channel, The Legal Knowledge. So today we will see section 15 of Specific Relief Act 1963. So इस वीडियो को समझने के पहले मैं कहना चाहूँगी आप सभी व्यूवर्स को कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे वो मोटिवेट कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 15 क्या कहता है। पर्संस फॉर और अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट में बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। तो ऐसे कौन से पर्संस होंगे कि जिनके लिए या जिनके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट का सूट किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में और उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाएगा उस पार्टी के थ्रू। तो ऐसे कौन से पर्संस रहेंगे जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं या फिर उनके अगेंस्ट करवा सकते हैं। तो देखते हैं सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 के साथ ही सेक्शन 19 को पढ़ा जाता है। ये रिलेटेड सेक्शंस हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन 15 को कवर करेंगे, ठीक है। तो कहता है सेक्शन 15, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन करवा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसे मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो भी बेनिफिट है वो किसे मिलेगा, ठीक है। तो ये कहती है हेड नोट, द एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड बाय कौन ऑब्टेन कर सकता है, एनी पार्टी थेरोटो, कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी पार्टी ऑब्टेन कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर बी में बताया गया है द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी थेरेटो। तो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, इसका कहता है यहाँ पे सेक्शन के नीचे दिया गया है एनी पार्टी थेरेटो और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। तो इसमें कौन कौन करे होगा इंक्लूड होगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 सब क्लॉज बी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन बाय एनी पार्टी थेरेटो। तो एनी पार्टी थेरेटो और द देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, दिस एक्सप्रेशन क्लियरली इंक्लूड द ट्रांसफरीज एंड असाइनीज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इन हुज फेवर द राइट एग्जिस्ट। द सच राइट ऑफ सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वुड हाउएवर बी नॉट अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजो बिलो। बस अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है कि एनी पार्टी थेरोटो और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में कौन कौन इंक्लूड होगा, तो ट्रांसफरीज एंड असाइनीज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इन हुज फेवर द राइट एग्जिस्ट, ठीक है। तो असाइनीज कौन होता है, असाइनी वो पर्सन होता है हु गॉट राइट इन प्रॉपर्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। या फिर ट्रांसफरी वो पर्सन होता है कि जिसके फेवर में कुछ शेयर ट्रांसफ़र किए गए हो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एनी पार्टी थेरेटो और द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट इंक्लूड्स एलआरस भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स भी हो सकते हैं जो कि कैरी आउट करता है, कैरी आउट बिल को कैरी आउट करता है एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटर होता है, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकता है, असाइनीज हो सकता है, ट्रांसफरीज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे लोग इंक्लूड होंगे तो ये लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। कब करवा सकते हैं ये बताया गया है। तो प्रोविजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर, देखिए जहाँ पे हमने सेक्शन 14 सी क्लॉज सी का देखा था कि जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकती है पार्टी, जहाँ पे
लर्निंग स्किल पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व रहती है, लेकिन किन सिचुएशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है ये कहता है सेक्शन 15 का प्रोविजो। तो प्रोविजो सेड दैट वेयर द लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी और एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी इज अ मटेरियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। कि देखिए ऐसी जो स्किल्स होती है किसी की लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी और एनी पर्सनल क्वालिटी जो कि मटेरियल इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट का, तो पर्टिकुलर उसको उसी चीज़ के लिए बुलाया गया है, उसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है। जैसे मान लीजिए एक सिंगर है, फेमस सिंगर है, हनी सिंह को हमने बुलाया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप हमारे फंक्शन में आएंगे और ऐसा सॉन्ग गाएंगे और हम आपको उसके कंसिडरेशन में इतना अमाउंट पेड करेंगे। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टी के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, और हुज द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइन his representative in interest or his principal shall not be entitled to specific performance of the contract। तो इन सिचुएशन में क्या होगा कि अगर तो वो जो सिंगर आए हैं अगर वो मना कर देते हैं गाना गाने के लिए तो उनको जो वही पार्ट तो उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए हम ये नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल नहीं कर सकते और उन करा नहीं सकते। ये ऑब्लिगेशन जो है कि एक्सेप्शन में है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा थ्रू कोर्ट, क्योंकि वो इन्वॉल्व करती है स्किल और पर्सनल क्वालिटी, ठीक है। तो ऐसा है, लेकिन तो वहाँ पे कोई भी पर्सन जो असाइनी है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कराने के लिए अगर कोई भी असाइनी या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल एंटाइटल नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए, यहाँ पे प्रोविजो में बताया गया है। लेकिन अनलेस, और एक प्रोविजो कहता है सच पार्टी हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म हिज पार्ट। अगर तो ये जो पार्टी है जो सिंगर है यहाँ पे उसने अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म कर दिया है जो जो डिसाइडेड हुआ था, वो आए फंक्शन में गाना गा के चले गए, ठीक है, और परफॉर्म कर लिया उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट और द परफॉर्मेंस डेवलप बाय हिज, हाँ तो अभी उन्होंने अपना काम कर दिया और वो चले गए, तो उसका जो उन्होंने जो आप गाना गाया और वो चले गए तो आपने एक कंसिडरेशन डिसाइड किया था कि अगर आप आएंगे हमारे फंक्शन में तो हम आपको इतना रुपीज़ पेड करेंगे, मान लीजिए 50,000 रुपीज़ पेड करेंगे फॉर 1 आवर, अगर वो 1 घंटा आके वहाँ पे सिंगिंग करते हैं और सबसे मिलते हैं तो उन्होंने तो अपना काम कर लिया, वो चले गए, तो अभी आपकी बारी है कि आप उनको जो अमाउंट डिसाइडेड हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में वो आप उन्हें दीजिए। अगर तो आप उनको वो कंसिडरेशन अमाउंट नहीं देते हैं तो इस केस में पार्टी एलिजिबल रहेगी उसके कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए। कौन सी पार्टी रहेगी एलिजिबल, कौन परफॉर्म करा सकेगा, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन दिस केस, द परफॉर्मेंस देवरा बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या फिर उस सिंगर के रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट जो रहेंगे वो उस पार्ट का परफॉर्मेंस कराएंगे, या फिर इन केस दैट पार्टी इज नॉट अवेलेबल या नॉट इन एग्जिस्टेंस और वो डाइड, अगर वो पर्सन मर जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कर सकते हैं और हिज प्रिंसिपल उसके प्रिंसिपल कर सकते हैं, या फिर हाँ हिज प्रिंसिपल हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, तो जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट रहेगा या फिर प्रिंसिपल रहेगा वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू कोर्ट, और वो कहेंगे कोर्ट में कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कीजिए, हमारे पार्टी ने तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर दिया है, अभी आपकी बारी है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर कीजिए परफॉर्मेंस कीजिए। तो यही कहता है सेक्शन 15 का प्रोविजो। उफ, बहुत डिफिकल्ट है यार।
चलिए आगे देखते हैं, देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार वीडियो बनाने में। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो देखते हैं सिचुएशन सी क्या कहती है सेक्शन 15 की। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज। देखिए मैरिज, देखिए अभी एक कम्युनिटीज़ रहती है, कुछ कम्युनिटीज़ जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि अगर आप हमसे शादी करेंगे तो हम आपको इतना कंसिडरेशन अमाउंट देंगे, या फिर कोई और बात हो सकती है जिसका वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर आप हमारे बेटे से शादी करेंगे तो आपको लाइफ टाइम हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब भी मैरिज का मैरिज होती है दो पार्टीज़ के बीच में। एक तो वो हस्बैंड करता है ऐसा प्रॉमिस, या फिर उसके इन लॉज करते हैं, और ए कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स। तो बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, वो विदिन फैमिली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एनी पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल देयर अंडर, तो जिसके साथ ऐसा प्रॉमिस किया है वो पर्सन वो बोलेगी कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कीजिए, आपने मुझसे ऐसा वादा किया था तो आप वो प्रॉमिस का परफॉर्मेंस कीजिए, ठीक है। तो एक मुस्लिम मैरिज में होता है कि मेहर का ट्रेडिशन है कि अगर आप एक उनकी शादी में एक अमाउंट फिक्स किया जाता है मेहर, उसको बोलते हैं कि लड़की अगर शादी करती है तो लड़का उसको मेहर देगा, अगर उसने वो नहीं दिया उसको तो उस अमाउंट के लिए वो कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट कीजिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए, या फिर ऐसी कोई और भी बात होती है कि अगर आप हमसे शादी करेंगे तो आपको लाइफ टाइम हम ये प्रोवाइड करेंगे, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कोई वादा उस फैमिली सेम फैमिली के मेंबर्स अगर करते हैं और वो अगर उसका ब्रीच आउट करते हैं तो फिर वो पार्टी जिसके साथ ऐसा प्रॉमिस किया गया था वो पार्टी कोर्ट में जाके अपने बोल सकती है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए। तो कोर्ट के थ्रू ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसी पार्टी ऑप्ट इन करती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी अदर पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी। तो सिचुएशन डी कहती है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ ए पावर द रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये पर्सन है जो बी को बोलता है तुम मेरे घर पे रहो जब तक तुम जिंदा हो, तो उसमें वो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरे घर में रहो। अभी जब ये बी रह रहा है और इन केस इसकी डेथ हो जाती है तो ये जो लाइफ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा बी का, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको ए को चली जाएगी, तो ये रिमाइंडर मैन कहा जाएगा, ठीक है। तो वे द कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये रिमाइंडर मैन कहा जाएगा, वे द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर द रिमाइंडर मैन। तो ऐसा रिमाइंडर मैन अगर सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कि भी तो मर गया है फिर भी उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे रह रहे हैं उसके साथ में, तो वो उस प्रॉपर्टी को उनको सौंप नहीं देता है, हैंड ओवर नहीं करते हैं, तो फिर ये सूट फाइल कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और उसके अगेंस्ट में ऑप्टेन कर सकता है डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। तो कोर्ट में जाके वो कोर्ट को बोलेगा कि सर जी ऐसा ऐसा लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था और ऐसी ऐसी बात हुई थी कि उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है जो कि उसको लाइफ इंटरेस्ट पे दी थी, अब तो वो रहा नहीं है तो ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं दे रहे हैं, तो मुझे दिया कोर्ट के थ्रू इसका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करा दिया जाए, मेरी प्रॉपर्टी मुझे ही मिल जाए। तो ये वाली सिचुएशन कहती है डी सब सेक्शन 15 सप्लस डी। सो अभी हम देखते हैं सेक्शन 15 सब क्लॉज सी का एग्जांपल। बेनिफिशियरी इफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ मैरिज सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड राइट्स अमंग फैमिली मेंबर्स। तो इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एज फादर एंड बीज फादर दैट इफ ए अ फीमेल वुड मैरी बी अ मेल देन बीज फादर वुड गिव रुपीज 10,000 एज मंथली अलाउंस एंड अलोकेट प्रॉपर्टी इन हर नेम।
एंड बीस फादर रिफ्यूजेज टू फुलफिल हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द मैरिज देन ए कैन स्यू बीस फादर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज अ बेनिफिशियरी टू द कॉन्ट्रैक्ट अगेन इफ देयर आर थ्री ब्रदर्स इन अ फैमिली ए सी एंड डी एंड सी एंड डी एंटर्स इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे वुड यूज द मनी दे गेट फ्रॉम देयर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द मैरिज ऑफ देयर यंगर ब्रदर ए देन ए कैन स्यू सी एंड डी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अ बेनिफिशरी. तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल देखा सेक्शन 15 सरप्लस सी का. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्लॉजेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब.